समस्या एह है सर भी तनखावां मिलदियां नहीं, काम करी जाना रात दिन ते तनखावां नहीं, घर का खर्चा किंज चलाउणा, हुण ते किराया भी वध गया, भी आउण ते भी जाण ते इत्थों दा ला लो, अगे किन्ना आ 100 रुपया रोज का किराया चाहिए कल्ले बंदे नूं, वो कित्थों लिआउणा आ, साल साल सानूं ते साल साल हो गया, तो तुसीं भी दसो किन्ना किन्ना चिर होया असीं दाखल कराए दा, सानूं पैसे की जरूरत है, उहने कहा मैनूं तनखावां दो, अगले नूं कढ के वह मारिया एप्लीकेशन भी उन्हें दित्ती लिख के भी मैं बीमार आ, तो सही उहदा लीवर खराब, ये देख लो ये उत्थे इन्हां ने ठेकेदार आ, इन्हां नूं तुसीं पुछ लो भी सही मेरा मुंडा बीमार ही कि नहीं, गुलामी करो ते अफसर नैटां वेटां ते थिएटर लेबर मिलाउंदे जे, दूसरे बंदे नूं नहीं जे इत्थे कोई भी पुछदा, होर हाँ वह नहीं जे कोई हिसाब किताब, जिहड़ा हाजरियां लाउंदा खास करके उहनूं पुछया जावे भी हाजरी किदां लगदी, किदां ड्यूटी लाउंदे तुसीं, कोई एक परिवार का दोवां तिन्नां परिवारां का थोड़ा ठेका इत्थे, भी थिएटर लेबर रात वेट नैट वेट सारा ही ड्यूटी आनी चाहिए नहीं, ये भी इंसाफ है कि चाहे नहीं इंसाफ बोलन दी, मैं मिलनिया चाहिए ने, साडा एक त्यौहार आंदा क्रिसमस साल बाद, तो अभी वह भी नहीं मनाना तो फायदा की, साढ़े को पैसा होएगा तो मनावे ना, गंद इन्ना इतों सो करना साफ सफाई, एक दिन नहीं आओ तो दूजे दिन गंद कीड़े चलन लग जाते, तो फिर फायदा की आ, रब को डर नहीं बंदे को नहीं, मैं डरती तो मैं ये शरेआम कहनी भी नैटा वेटा वाले कामयाब इतने उन्होंने रोज हो लेबर रूम वाले का, जेड़े बेचारे दूसरी जगह उन्हें कितों घर का खर्चा चलाना है, वह भी तो होना चाहिए नहीं मसला हल, मेरे मुंडे ने एक तर कह लगा जोड़ा हाजरियां लाता भी जो तेनू तनखा नहीं देनी, आपे क्या आपे ही मेरे मुंडे कह दिता भी तेनू तनखा नहीं देनी, आप ही क्ड के तो आप ही मेरे मुंडे कहा भी तेनू तनखा सारे दनखाव पी, मेरे मुंडे की तनखा क्यों नहीं पई, प्रोटेस्ट इनको अभी 10 महीने के ज़्यादा हो गए हैं, सैलरी नहीं मिली है, देखो हमारे जो लोग हैं कितने मेहनत कश लोग हैं कि पूरे हॉस्पिटल का गंद उठा रहे हैं और सफाई कर रहे हैं, जगह जगह पे नुकरों नुकरों में पोचा लगाती हैं ये, और कोरोना टाइम महामारी है ये, कोरोना टाइम में भी हमारे सफाई कर्मचारी जितने भी हैं और बढ़ चढ़ के एक दिन भी छुट्टी नहीं करते, हर रोज़ आके सफाई करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं कि नहीं हमारे कठुआ के डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं जहाँ आए उनको साफ सुथरा वातावरण मिले, ऐसे में देखो कि 10-10 महीने हो गए इनको सैलरी नहीं मिली है, इनके बच्चे क्या खाएंगे, भूख से इनका बुरा हाल है, क्रिसमस डे हमारा सिर पर है, आए रात को क्रिसमस है, इन्होंने जितने बार सुपरिटेंडेंट के पास गए प्रिंसिपल के पास गए यही आश्वासन मिला सैलरी दे देंगे, देनी कब है, अभी भी आए बोलते काम करो, कैसे काम करना भाई, सैलरी आप देते नहीं काम कराने के लिए बोलते हो, काम करो क्यों काम करना, कोई हमारा बंदा काम नहीं करेगा, जो भी हमारा बंदा काम करेगा उसको हम जूतियों को हार पहनने के जगह और पटाई करेंगे, जो भी FIR लगती होगी हमें कबूल है, FIR के लिए कोई वो नहीं है, और जो अदर बंदा यहाँ आके इनके अलावा यहाँ आके काम करेगा इनके खिलाफ उसकी भी ऐसे धुलाई करेंगे कि ये हॉस्पिटल वाले खुद इसका इलाज करवाएंगे और पता चलेगा कि सफाई कर्मचारियों के खिलाफ बोलना और उनके खिलाफ काम करना क्या दुर्दशा है वो पूरी अच्छे तरीके से बता देंगे, और जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं जब तक इनकी सैलरी नहीं मिलेगी कोई हमारा बंदा काम नहीं करेगा, बस दैट्स ऑल, थैंक यू। कठुआ डिस्ट्रिक्ट सफाई कर्मचारी यूनियन प्रधान, क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने एक बचाया मीटिंग की अस्पताल भी यार तनखाह मिल जाए उसके कोई इनकी 6-7 महीने तनखा ही, लेकिन उसके इनके कोई सेंटरी इतने वो कहता है भी बाहर के प्रधान तुम लिया कर दो कोई गल नहीं देख लेंगे अभी ये कर लेंगे, मैं जो शरेआम चैलेंज करना भी मैं अस्पताल खलोते पहले तो देख ला आन के भी खलोते ये प्रधान भी ये नहीं भी इन्हों की तनखा निकलती हर महकमे मिलती है, एक साडे सफाई कर्मचारी आई क्यों गोरमेंट को पैया कदम होता एक जी साढ़े इधर की सेंटर की इनके आई क्यों कम हो इतना पता एक त्यौहार है साढ़ा क्रिसमस डे अज मना शुरू लेकिन अब 10-10 महीने सू सैलरी नहीं मिली है बंद कितना करे गुजारा इन्नी करोना के बीमारी के इन्होंने काम किया इतने दिन रात काम किया लेकिन अज तक कोई फायदा नहीं होना एक तनखा ही नहीं मिली और नहीं ये नहीं सफाई वाले और इतने जो सिक्योरिटी गार्ड और भी काफ़ी बंदे जिन्होंने तनखा इन्होंने दी नहीं है और महकमे की आय कर दें तो हर काम चले करते हर हॉस्पिटल का लेकिन खाली एक सफाई वाले कुछ नहीं है किन्ने भी बच्चे होने ना हजमे लेकिन मैं सब तो वो बेवकूफी कहना जो डॉक्टर की भी तो जो ठेकेदार अगे कोई कि वह नाम ठेकेदार तिरंगा कंपनी की
ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਤਿਰੰਗਾ ਜੇ ਨਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਹਿ ਲੈਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਅਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਅੱਜ ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਠਣਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਗੇ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੇ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾ ਲੈਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣ ਹੈ ਡੇਲੀ 'ਚ ਕੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖੋ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹਮ ਰੋਡ ਪਰ ਬੈਠ ਜਾਏਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦ ਸੇ ਜਲਦ ਹਮੇ ਅੱਜ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਨਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹਮਾਰਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਰੋਡ ਪਰ ਬਹਿ ਜਾਏਗੇ।